हेलो दोस्तों, डायनेमिक्स मैथ के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर फोर्थ इलास्टिक स्ट्रिंग्स। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम पिछले वीडियो में केवल बेसिक में ये समझ पाए थे कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। इसी के साथ हमने एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूफ किया था यहाँ पर, ठीक है। आज हम एक नेक्स्ट आर्टिकल को यहाँ पर समझेंगे, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। ये अपने पास इलास्टिक स्ट्रिंग का एक पार्ट है। दो टाइप की इलास्टिक स्ट्रिंग हम देखेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा हॉरिजॉन्टल के लिए, सेकंड ये रहेगा वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए। इसी डेरिवेशन से हमें वे फॉर्मूले मिलेंगे जिनका यूज हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले मिलेंगे हमें, एक तो मिलेगा वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का सिंपल, सेकंड रहेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फिर हम डेराइव करेंगे यहाँ पर डिफरेंट इंटरवल्स के लिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ए से ए डैश के लिए, बी से ए के लिए। इन्हीं सबको हम यूज करना सीख रहे होंगे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में। फिर हम देखेंगे कि कंप्लीट इंटरवल के लिए तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझना काफी इजी है, आप मेरे साथ कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ ए नेचुरल लेंथ एल, एल हमें नेचुरल लेंथ गिवन है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लैम्डा लेते हुए चलेंगे, हैज वन एंड फिक्स्ड। तो ये स्ट्रिंग है ना, इसका एक एंड हम फिक्स कर देंगे एट पॉइंट ओ, ओ मान लेंगे उस पॉइंट को जहां पर उसको फिक्स करेंगे ओ को हम। ओन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग को हम लेंगे, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द अदर एंड ए, जो अपने पास अदर एंड रहेगा ओ ए, हम एक स्ट्रिंग लेंगे, ओ को फिक्स रखेंगे, ए पर एक m मास का पार्टिकल रखेंगे जिसकी सहायता से उस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ए से, ठीक है। कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, पोजिशन बी तक स्ट्रेच करेंगे, और जो ए और बी की एक्सटेंशन लेंथ रहेगी उसको हम लेट करेंगे ए के इक्वल, एंड देन लेट को। इसी तरीके से आगे हम डेरिवेशन में कुछ एक और पोजीशन लेट करेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पर किस तरीके का मोशन रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओ ए ये नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, लेट ओ ए इक्वल टू एल नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ओ अपने पास यहाँ पर क्या है, फिक्स पॉइंट है, ओ अपने पास यहाँ पर क्या है, फिक्स पॉइंट है। अब क्या करते हैं, इसको स्ट्रेस करते हैं, यहाँ पर एक अम मास का पार्टिकल है, इसको स्ट्रेस करते हैं इस तरफ, ये फिक्स पॉइंट है अपने पास है, तो स्ट्रेच हो जाएगा। कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे इसको, बी पोजिशन तक स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, बी तक हमने इसको स्ट्रेस कर दिया। वेहन स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड लेट एंड ए बी एट पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी सच डैट, देखिए जब ए को हम बी तक स्ट्रेच कर रहे थे तो किसी टाइम टी पर, ये जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पोजिशन हम लेट कर लेते हैं, इसको स्ट्रेच करते हुए इस पोजिशन को हम लेट कर लेते हैं पी यहाँ पर, ठीक है। किसी टाइम टी पर हम इस ए को स्ट्रेच करते हुए पी पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। हम बाकी करते तो इसको बी तक हैं, बट किसी टाइम टी पर हम पहुंच जाते हैं पी लगे, ठीक है। तो इससे जो ये लेंथ है पी, इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो इसको हमने लेट कर लिया सच डैट ए पी इक्वल टू एक्स। अब एक बार फिर से अगेन डायग्राम बना देता हूँ मैं, ओ ए ये पी है और ये अपने पास बी है, यहाँ पर ये लेंथ एल है, ये अपने पास हमने ले ली एक्स, ठीक है। और हमें एक और बात गिवन थी, विहर जो अपने पास ए बी होगा ना वो ए के इक्वल होगा, इसकी लेंथ अपने पास क्या होगी, ए से बी लग ए होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पार्टिकल था, पार्टिकल एज ए अपने पास एक मास है कोई भी, ठीक है, उसको इस तरफ ले रहे हैं ना, तो अपने पास टेंशन किस तरफ क्रिएट होगी, इस तरफ क्रिएट होगी, इस तरफ टेंशन क्रिएट होगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स अपने पास उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो लेट टेंशन पी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, पी हमने एज टेंशन ले ली स्ट्रिंग की अलोंग इस डायरेक्शन में, पी से ए डायरेक्शन की ओर, सिंस टेंशन इज द ओनली फोर्स काजिंग मोशन द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, देखिए अपने पास अगर हम बात करें फोर्स यहाँ पर क्या रहेगा, तो देखो इस तरफ हम मास को लेते हुए जा रहे हैं तो इस तरफ अपने पास टेंशन है, तो जब हम यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे तो अपने पास जो टेंशन होगी यही फोर्स का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसको लिखेंगे फोर्स
इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, जो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए इन्हीं को सॉल्व आउट करते हुए हमें पता लग जाएगा कि मोशन कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए फोर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम इस तरफ तो मास को लेते हुए जा रहे हैं, ये टेंशन इस तरफ क्रिएट है, तो इस टेंशन को हम क्या लेंगे, एज ए फोर्स लेंगे, बट नेगेटिव लेंगे यहाँ पर। तो नेगेटिव टी इक्वल टू मास अपने पास क्या है यहाँ पर, एम है। एक्सेलरेशन किस तरीके से होती है, जो अपने पास ये यहाँ पर एक्स एक्सटेंशन हमने लिए ना पी पॉइंट तक, इसी को दो बार टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि ये पी पॉइंट हमने किसी टाइम टी पर लिया है, तो वो अपने पास क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाती है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है, चैप्टर फर्स्ट में हमने काफ़ी बार किया है। तो देखिए इस तरीके से इसको लिखेंगे, एम डी टी स्क्वायर इक्वल टू टेंशन, टेंशन को भाई हुक्स ला किस तरीके से लिखते हैं हम, तो देखो नेगेटिव टी को हम किस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स ला टेंशन क्या होती है अपने पास, जो अपने पास एक्सटेंशन है इनटू में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम यहाँ पर लेते होते नहीं किसको, लैम्डा को, ये हमें गिवन है, अपोन में क्या होता है अपने पास, अपोन में अपने पास होती है नेचुरल लेंथ है। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे, तो टी को हमने इस तरीके से लिख दिया, तो अभी ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और इस एम को भी इसके अपोन में ले आएंगे तो ये कंप्लीट फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से अपने पास, ठीक है। अब देखो ये मैंने ब्रैकेट क्यों किया यहाँ पर एक्स को अलग करते हुए, देखिए यदि हम इसको कंपेयर करें किसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ आप कंपेयर करें इसको, देखिए ये अपने पास क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी, जो हमने किस में डिस्कस की थी, चैप्टर थ्री के स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, बिल्कुल सेम वे में। देखो ये अपने पास क्या था, म्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट था, बिल्कुल सेम वे में ये तीनों ही टर्म अपने पास कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। एक्स तो अपने पास एक्सटेंड होते हुए क्या हो सकता है, देखो एक्स यहाँ पर है फिलहाल पी पोजिशन के लिए, जब हम बी की बात करेंगे तो एक्स कंप्लीट इंटरवल हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा ना, एक्स तो बट घट सकता है, लेकिन ये सब कुछ फिक्स है अपने पास, नेचुरल लेंथ मास लैम्डा, तो बिल्कुल सेम अपने पास ये इक्वेशन क्या है, जे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन चुके हैं यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, नेगेटिव म्यू एक्स विहार यहाँ पर लिख देंगे, म्यू अपने पास क्या है लैम्डा अपॉन में अम इंटू में अल मास इंटू में लेंथ नेचुरल जो है अपने पास है, ठीक है। तो इससे क्या शो होता है अपने पास, विच शो डैट द मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन वेहन द स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड अबाउट पॉइंट ए, ए पॉइंट के अराउंड जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं स्ट्रिंग को, तो अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट होता है। तो इस तरीके से जो अपने पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है इस डायरेक्शन में, ए से बी तक अगर हम बात करेंगे, तो ये ए एज किसका वर्क करेगा, यदि ये यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एम्पलीट्यूड का वर्क करेगा, और ये अपने पास किसका वर्क करेगा, ये अपने पास जिस तरीके से थर्ड चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पर पार्टिकल की पोजिशन है, तो ये अपने पास डिस्टेंस का वर्क करता था, बिल्कुल सेम वे में उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर। तो लिख देंगे आल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अपने पास एम्पलीट्यूड कवर कौन करेगा यहाँ पर, ए करेगा। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी फिर अपने पास, तो देखिए इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिटन एज किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिखते हैं वेलोसिटी की फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन इस तरीके से लिख दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यही इसको इस तरीके से लिख दिया, इक्वल टू क्या है नेगेटिव लैम्डा अपॉन में मास इनटू में नेचुरल लेंथ और इनटू में एक्स, ठीक है, एक्सटेंशन। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, ये एक्स वाली फॉर्म उस तरफ बना लेंगे, एक्स को उस तरफ ले जाएंगे, एक्स ये सब कुछ कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, एक्स इंटू में डी एक्स, अब इंटीग्रेट करेंगे इनको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्केयर अपॉन में टू इक्वल टू, ये एज ए कॉन्स्टेंट है अपने पास, ये एक्स स्केयर अपॉन में टू आएगा, तो उसको मैं यहाँ पर ले देता हूँ, प्लस अपने पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पर सी हमने ले लिया, इसको लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सी की वैल्यू को फाइंड आउट हम कर सकते हैं आसान तरीके से, जब ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये आखिर में कहाँ पर पहुँचेगा, बी पर पहुँचेगा, तो एट पोजिशन बी पर यदि हम बात करें, एट पोजिशन बी जो अपने पास वेलोसिटी होगी वी, वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की यदि हम बात करते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, और जो ये ए है यहाँ पर अपने पास वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बी पर वेलोसिटी जीरो रहेगी,
और जो अपने पास ये एक्स है ना, ये डिस्टेंस को बताती है। तो हमने तो बी तो एक ऐसे ही पोजीशन ली थी कोई भी टी टाइम पर, बट एक्चुअल में हमने कहाँ तक स्ट्रेस किया इसको, बी तक स्ट्रेस किया है। तो उस केस में जो एक्स है ये अपने पास एम्पलीट्यूड ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ए के हो जाएगा इक्वल। तो इस तरीके से इन दोनों को पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पर, तो सी अपने पास क्या जाएगा कॉन्स्टेंट की वैल्यू इस तरफ आएंगे इसको लेकर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी फॉर्म, तो ये अपने पास एज ए सी की वैल्यू हो जाएगी। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, नेगेटिव लैम्ब्डा अपॉन में टू इंटू में मास इंटू में नेचुरल लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर एक चेंज कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर ए कर देंगे हम, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसके साथ टू से साथ ये टू कैंसिल आउट, तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम लैम्ब्डा अपॉन में मास इंटू आउट कर सकते हैं, और ये ए स्क्वायर, और यहाँ से नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बन चुका है यहाँ पर, वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन चुका है इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, इसका कि हम यूज़ भी कर रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें ये पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अपने पास है, देखो ये जो ए है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हम बात करते हैं तो एज ए सेंटर कवर करेगा, तो यहाँ पर अपने पास वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसको लेते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए जो अपने पास एक्स डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स डिस्टेंस अपने पास जीरो है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही है वो पार्टिकल आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं केस क्या रहेगा, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी चेक होती है हमेशा, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है ये चैप्टर थ्री में हमने किया है। तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे, तो ये देखिए फॉर्म क्या हो जाएगी, वी स्केयर इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन में एम एल इंटू में ए स्केयर, और यहाँ पर बोथ साइड यदि हम ये स्केयर को हटाएंगे, वी स्केयर को हटाएंगे यहाँ पर, तो वेलोसिटी अपने पास किसके को आ जाएगी, अंडर रूट लैम्ब्डा अपॉन में मास इंटू में नेचुरल लेंथ एल, और ये ए स्केयर था तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका है किसका, मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का, मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फॉर पार्टिकल अलोंग OA डायरेक्शन, OA डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल है, तो उसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। अब आगे बात करते हैं इस डेरिवेशन में आगे बढ़ते हुए, वी नो पार्टिकल, ये पार्टिकल अपने पास कौन है, मास है सिंपल, अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, फ्रॉम बी टू ए या फिर ए टू बी हम बात करें, वो ए से बी पर जब जा रहा है, ए से बी पर या फिर बी से ए पर जब आ रहा है, तो अपने पास किस मोशन में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है। ऑन क्रॉसिंग ए, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ अब यहाँ पर, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, पार्टिकल इंटरवल के दौरान ऑसिलेट होता रहता है, और यहाँ पर तो अपने पास एक स्ट्रिंग को हम ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग में तो होगा ही, जैसे कि यहाँ पर मैंने मान के चलिए यहाँ पर एक रबड़ लिया है और इसको मैं खींच के बी पर ले जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बी पर ले जाके ये मैक्सिमम, यहाँ इससे आगे मैं इसको खींच नहीं सकता, इसके ज़्यादा आगे मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर सकता, तो जैसे ही मैं सिरे को छोड़ूंगा यहाँ से, तो ये रबड़ अपने पास अचानक से इस तरफ आएगा तेजी से, और तेजी से आते हुए एक बार तो वो इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होते हुए वो पॉइंट तो फिक्स अपने पास, जो इस तरफ वाला सिरा था ना, इस तरफ हो जाएगा अपने पास, और जिस तरीके से यहाँ पर ए है तो वहाँ पर वो इस तरफ आके पड़ेगा, तो उस पॉइंट को हम ले लेंगे ए डैश, और फिर जो वो ओ से ए डैश अपने पास होगा ना, वो अपने पास नेचुरल लेंथ होगी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो इस तरीके से था, हमने जैसे यहाँ से छोड़ा तो वो इस तरीके से तेजी से आया और इस तरफ पलट गया वो, ठीक है। ये ओ है अपने पास और ये ए हो गया, अब फिर उसको इस तरफ स्ट्रेच करेंगे हम, ठीक है, ये सारा कुछ वर्क रहेगा। तो देखिए ऑन क्रॉसिंग ए द स्ट्रिंग बिकेम्स स्लैक, वो एक बार इकट्ठा हो जाएगा अपने पास, सिकुड़ जाएगा, देयर फोर नो टेंशन, अब उसमें कोई टेंशन नहीं है अपने पास, वो नेचुरल लेंथ में आ जाएगा इस तरफ, मिररली आप समझ सकते हो, ठीक है। टेंशन एक्ट्स ऑन दी पार्टिकल, उस पर कोई अपने पास पार्टिकल जिसको कि मास बोल रहे हैं यहाँ पर, कोई उस पर अब टेंशन नहीं है फिलहाल। एंड इट मूव्स फ्रॉम ए टू ए डैश, वो ए से ए डैश पर आ जाता है। मैं एक बार अगेन डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर क्लियरली समझने के लिए, तो देखिए ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, ये ओ ए अपने पास है, ओ ये नेचुरल लेंथ थी अपने पास है, हमने इसको एक्सटेंड किया कहाँ तक, बी पॉइंट तक एक्सटेंड किया सब कुछ। तो जैसे इसको बी पॉइंट तक छोड़ते हैं, तो पहले तो अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा ये अपने पास रबड़, और नेचुरल लेंथ में आने के साथ साथ ये सिकुड़ते हुए इस तरफ आ जाएगा, ये सिरा जो ए था ना, ये इस तरफ पलट जाएगा, इतनी तेजी से आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक ए डैश पॉइंट ले लेंगे,
और इसको अब एक्सटेंड करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर हमने बी तक एक्सटेंड किया था। देखो मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ बी को, ठीक है, बी तक एक्सटेंड किया था, बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर भी हम इसको स्ट्रेच करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो बी डैश तक स्ट्रेच होगा ये, ठीक है, ए से ए डैश तक इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिव से बाय इक्वेशन 3, जो ए से ए डैश तक ये मूव करेगा यहाँ पर, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये अपने पास यूनिफॉर्म होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसके इक्वल होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है, लैम्डा अपॉन में मास इंटू में नेचुरल लेंथ इंटू में ये अपने पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये लेंथ अपने पास क्या थी, नेचुरल लेंथ एल थी, तो ये भी अपने पास क्या होगी, नेचुरल लेंथ एल होगी यहाँ पर। तो लिखेंगे वेहन दी पार्टिकल मूव्ड बियॉन्ड, जब वो ए डैश के बियॉन्ड इस तरफ मूव करेगा, दी स्ट्रिंग इज अगेन स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रिंग जो होगी वो अगेन स्ट्रेस्ड पोजिशन में आ जाएगी, जिस तरीके से अभी तक उसको स्ट्रेच किया था, एंड दी पार्टिकल मूव्स अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, ठीक है, जिस तरीके से ए से बी तक पार्टिकल अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में था, बिल्कुल सेम वे में इस तरफ भी ए डैश से बी डैश तक वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा, यहाँ पर किस तरीके से रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा, यहाँ पर भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड अपने पास ए है, तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड ए रहेगा, ठीक है, वेहर ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, किसके इक्वल हैं, दोनों ही लेंथ अपने पास एम्पलीट्यूड ए के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे एट बी डैश दी पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, बी डैश पर वो रेस्ट पर आ जाता है जिस तरीके से बी पर रेस्ट पर होता है, ठीक है, एंड बिगेंस टू मूव बैक सिमिलरली टू द पॉइंट बी। देखो कहने का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब ये है यहाँ पर इससे ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो अगेन जब यहाँ से भी देखो जो काम यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमने वो छोड़ दिया था सिरा रबड़ का, तो वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इस लेंथ में आया, ओ से ए डैश नेचुरल लेंथ में, ठीक है, अब यहाँ से इसको स्ट्रेच किया तो बी डैश तक हम उसको ले गए, अब बी डैश पर ले जाते हुए अगेन यही काम हम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस से बी पर आएगा, तो अगेन ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि टाइम इंटरवल कितना लेता है वो, ठीक है, टाइम इंटरवल क्या रहेगा मोशन का, तो यहाँ पर अपने पास कितने इंटरवल है, देखो एक तो ये इंटरवल है फर्स्ट, एक फिर ए डैश से ओ डैश सेकेंड, फिर ओ से ए थर्ड इंटरवल, फिर यहाँ पर ए से बी ये फोर्थ इंटरवल है, तो इनके अकॉर्डिंग टाइम को देखते हैं हम, तो देखिए ए और ए डैश के बीच में तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये है अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टाइम पीरियड फ्रॉम ए टू ए डैश, हम देखेंगे कि ए से ए डैश पर आने तक वो टाइम कितना लेता है, कितना टाइम पीरियड रहेगा उसका, तो देखो ये अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देखो यही दो पोर्शन ऐसे हैं ए से बी और ए डैश से बी डैश, जिनमें कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, यहाँ पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है, ए से ए डैश है, ठीक है, ये नोट सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है वो, तो टाइम का सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या रहेगा, देखो एक तो अल ये और एक अल ये, तो टू अल अपॉन में ये अपने पास एज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पर, इनटू में स्मॉल ए एम्पलीट्यूड, तो टोटली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, टू इंटू में नेचुरल लेंथ अपॉन में ए अंडर रूट, ये ऊपर चला जाएगा, मास इंटू में नेचुरल लेंथ एल और अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, तो इस तरीके से टाइम पीरियड आ चुका है ए टू ए डैश पे, ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड फ्रॉम बी टू ए बात करें या फिर ए डैश टू बी डैश बात करें या फिर बी डैश से ए डैश बात करें, सेम बात है ये, ठीक है, चार तरीके हो जाते हैं हमारे पास इसको देखने के लिए, टाइम पीरियड फ्रॉम ए टू बी, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं बी टू ए, बी से ए पर आने के लिए, क्योंकि वो पार्टिकल हम यहाँ पर छोड़ते हैं तो उस तरीके से देख रहे हैं हम टाइम पीरियड क्या रहेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास पोर्शन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन है, तो इस केस में फॉर्मूला अपने पास ये रहेगा, वन बाई फोर्थ टाइम पीरियड
ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। 1/4 इसलिए लिया है क्योंकि चौथा हिस्सा अपने पास एक तरीके से देखेंगे, या फिर आप समझ सकते हो यहाँ से वो यहाँ पर जाएगा फिर वापस आएगा। तो इस तरीके से ये चार इंटरवल हो जाते हैं, दो जाने के दो आने के, तो हम केवल इस इंटरवल को देख रहे हैं बी से ए पर। तो इस तरीके से हम 1/4 ऑफ टाइम पीरियड लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है, 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू इंटू में 1/4, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट। तो पाई अपॉन में 2 अंडर रूट म्यू, ये अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा फ्रॉम बी टू ए। और अंडर रूट म्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पेज में यहाँ पर देखा था, अंडर रूट म्यू को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, लैम्ब्डा अपॉन में मास इंटू में नेचुरल लेंथ के इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं अंडर रूट मास इंटू में नेचुरल लेंथ अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अपने पास ये फॉर्म रहेगी। अब हम देखते हैं टोटल इंटरवल में क्या अपने पास टाइम पीरियड रहेगा जब हम बात कर रहे हैं बी से बी डैश आने की और बी डैश से बी तक जाने की। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट ऑसिलेशन को यदि हम देख रहे हैं तो, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन ये अपने पास रहेगा 2 इंटू में टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश, ठीक है, जाने का और आने का। तो इस तरीके से लिख देंगे 2 इंटू में, देखो अभी कुछ के जो जो हमने यहाँ पर निकाल लिए ना, इन्हीं का यूज़ करेंगे, तो इसका यूज़ करेंगे और एक इसका यूज़ करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर इसको ब्रेक कर दें तो ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा अपने पास। एक तो हम देखेंगे यहाँ पर टाइम फ्रॉम बी टू ए कितना है, फिर प्लस हम कर देंगे ए से ए डैश तक का, हमें पता है टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, और फिर हम प्लस कर देंगे टाइम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। तो देखो ये दोनों जो बातें हैं ना, ये दोनों बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि इन यहाँ पर इस केस में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और इस केस में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, सेम लेंथ है अपने पास है, तो इनके लिए टाइम पीरियड बिल्कुल सेम रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू में एक तो बाहर 2 है और एक अंदर 2 इंटू में, या तो इसको लिख लें या फिर इसको लिख लें, तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू में टाइम फ्रॉम बी टू ए और फिर प्लस में टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश कर देंगे। तो इनका टाइम हमें पता है, तो 2 इंटू में ये लिखेंगे यहाँ पर पाई बाई 2 अंडर रूट एम इंटू में एल अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस ये टाइम हमने निकाला था यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं आप ये रहा अपने पास, इस तरीके से लेंगे। तो अब इसको सिंपल सोल्व आउट करते हैं, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर से इसको हम एज ए कॉमन ले सकते हैं, तो अंडर रूट एम एल अपॉन में लैम्ब्डा और बाहर ये 2, तो अंदर क्या रह जाता है अपने पास पाई प्लस 2 इंटू में नेचुरल लेंथ अपॉन में ए एज ए अपने पास क्या है यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल टाइम ऑफ मोशन आ चुका है। तो जिस तरीके से दोस्तों इनका यूज करेंगे वैसे और क्लियरिटी से आपको ये सब कुछ क्लियर आउट होंगे। फिलहाल आप इस डेरिवेशन को अपने आप से करके देखें बुक से समझते हुए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग को समझते हुए डेरिवेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।